अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया ऐसा है कि अगर आप इसे कर लें तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ये एक छोटी सी मशीन का सेटअप है, अगर आपका बिजनेस चल जाए तो दो या तीन मशीन्स ले आइएगा जिनसे आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना के बेचते जाएंगे और मोटा माल कमाते जाएंगे। तो मुकम्मल मालूमात के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। जी तो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया है सोयाबीन से दूध, दही और पनीर बनाने की फैक्ट्री। अगर हम इस हासिल होने वाले प्रॉफिट का बात करें तो इस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आएगा 20 रुपये और ये बिकेगी 300 रुपये में। दोस्तों आमतौर पर आपने सुना होगा कि दूध, दही और पनीर गाय और भैंसों वगैरह से हासिल होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये सब कुछ सोयाबीन से भी हासिल होता है और इसको बनाने पर अगर 400 रुपये लागत आती है तो ये बिकेगा 3000 रुपये में। आप इसे बेकरीज और घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स जैसा कि वनीला और मैंगो वगैरह के साथ भी सेल कर सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं क्योंकि सोया से बनाए हुए दूध, दही और पनीर में चिकनाई नहीं होती, इसलिए ये छोटे बड़ों सब के लिए मुफीद है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स कहाँ से और कितने की मिलेंगी और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। दोस्तों इस मशीन का नाम सोया ग्राइंडर मशीन है, ये घर के सिंगल फेज बिजली कनेक्शन पे चल सकती है। इसे ऑपरेट करना बहुत आसान है, घर में मौजूद एक छोटा बच्चा भी इसे आराम से ऑपरेट कर सकता है, हत्ता के हमारे घरों में ख्वातीन भी इसे आसानी से ऑपरेट कर सकती हैं। अब इस पे काम कैसे करना है, आपने सोया को 7 से 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद थोड़ा थोड़ा करके मशीन में डालना है और साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएं। ले जनाब 10 लीटर दूध तैयार है, इसमें आपको 10 लीटर दूध बनाने के लिए 10 लीटर ही पानी, जबकि पनीर बनाने के लिए 8 लीटर पानी और दही बनाने के लिए 6 लीटर पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोया का वेस्ट भी कारामद है, बेकरीज वाले आपसे इसे खरीद कर बिस्किट बनाने में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जब आपका बिजनेस बढ़ जाएगा तो जाहिर है आपके पास इसका जो फोक है या इसका जो जो कारामद मटेरियल नहीं है जो बचेगा, वो आपका आसानी से बेकरीज पर सेल होना शुरू हो जाएगा। इस मशीन की कीमत 70,000 कमोबेश है। आप इस मशीन को पाकिस्तान से भी खरीद सकते हैं और चाइना और इंडिया से भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर किसी भी किस्म की मशीनरी बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ जाए तो हमसे राब्ता करें, हम आपके बिजनेस की प्रमोशन करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे। तो आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल इंजीनियरिंग पीके को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाला हर आइडिया आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगले बिजनेस आइडिया तक हमें इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।